الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الرضا المحج وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز میں پڑھی صلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك يا صادق يا سيدي يا حبيب الله بلند آواز میں پڑھی صلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك يا صادق يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ درود و سلام بارگاہی سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روض جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بدرگاہ سرور کائنات فخر موجودات تباعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم صدر محفل جان محفل علی رسول نسل رسول خون بطول پروردہ آغوش ولایت مہتاب طریقت و شریعت کاشف رفوز حقیقت واقف امور طریقت نور چشمی حضور سلطان الفقراء تاجدار چند شریف حضرت علامہ صاحب زادہ پیر سید اسد اللہ شاہ صاحب غالب دامت برکات اللہ علیہ عزیم وزید حسدان علی حضور شریف حضرت مدشن زینت العلماء مجاہد السنت حضرت علامہ مولانا مفتی نصیر الدین نصیر صاحب دامت برکات اللہ علیہ دیگر علماء کرام نعت خانہ نشیر ویسان بانی علی مفی نقیب بلت اسلامیہ آل رسول حسن رسول جناب سید محمد اکرم شاہ صاحب بلانی اور انتہائی عزیز القدر حاضرینوں سامیل کرام حاجدہ تقیدہ اجتماع بسلسلہ سلانہ محج ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
शर्फ अता फरमाए कि मेरी हाजिरी हो गई। दुआ है कि रब आला उन रातों का सदका जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने घर सऊद से घर हिजाज गुजारियां अल्लाह मेरी और आप बाप की आज की रात कबूल फरमा के साडे साथ के वास्ते जरिए निजात बनाए सुभान अल्लाह। हुजूर क़िबला आले इरशाद फरमा रहे सन मेरे साईं लजपाल ताजदार रसूल शरीफ सुभान अल्लाह मेरी जान ते मेरे ईमान ते मेरी हर चीज दुनिया कब्र हश्र अंदर मालिक और निगहबान को मेरे साईं लजपाल करीम अख़ा मौला मेरे आका नेमत मेरे मुहसिन आज़म मेरे हादी मेरे मुर्शिद हुजूर ताजदार रसूल शरीफ हजरत साहिबजादा पीर सिंगर मोहम्मद कबीर अली शाह साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह मेरी जिंद जान मेरे बचपन च मेरे साईं लजपाल ने मुझे फरमाया मेरे वालिद की गिरामी ना खतीब पाकिस्तान हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद लतीफ हाजी रहमतुल्लाह अलैह सियालकोट किले दे उते एक मैरिज हाल हुंदा सी ग्रैंड हिल मैरिज हाल सालाना प्रोग्राम हुंदा सी उन्हें याद है कि मैं खाली पंजाबी विच पढ़दा सी बाबा जी हुजूर तकरीर फरमा के बाहर गड्डी च बैठन लगे तो मेरे वालिद की गिरामी ने मेनू पेश किया सुभान अल्लाह अर्ज करते हैं हजूर मेरे तीन बेटे ने पर मेरा दिल करता है कि ये मेरा बेटा मेरा वारिस बन जाए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह दुआ करो ये आलम दीन बन जाए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह खास निगाह मेरे वल देख के ना ते मेरे सिर पे हाथ रखया ते फरमान लगे आसी तेरे पुत्र नु जमाना देखेगा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बस 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 आयु जुमला से जड़े मेरे नसीब तार दे सुभान अल्लाह बड़ा याद है अगर एक ये मौजू से गल करा कि मेरे बाबा जी हुजूर साईं लजपाल ने मेरे किन्नी मोहब्बत फरमाई है सारी जिंदगी बस ये तो रोना क्यों मोहब्बत हूँ लगती है कि तुम शफकत मिल दे रही है मैंने को पूछे तेरी औकात है तेरी कदर की है तो मैं ये कहूंगा कि खास खास जिन्ना कदर ना मेरा तो मेरे साथ ही बनो बड़े आनिया जो पता लगना ना कि बाबा जी हजूर साइया की बारे में सलाम पेश करने चले तो कहना हजूर सानू भी लै जाओ बड़े गुना करके तुहाडे ओ ले होके जावांगे माफी मांग जावांगे अर्ज की थी मैं कि साईं एन अफतारी का वेला तो मैं कि साईं मुझे साईयां दी बारगाह में पेश करो फरमाते ने अच्छा अखियां बंद करके बड़ी देर मुराकब रहे तो फिर हाथ अख चुके मैंने फरमा लगे जा से पुत्रा जमाना तेरे ही रहेगा बस एक गल याद रखी नबी पाक का वफादार बन के रहो ऐसिया ऐसिया सबकता कदे भी जाना थे जाके आज करनी ना कि हुजूर आज फलां प्रोग्राम थे या आपने अक्सर मोहब्बत ना मेनू फोन करना थे फरमाना या मैं करें थे फरमाना आज जुमा पढ़ान कितने चाले हो जदू भी फोन करना पर इतना जुमला हुंदा सी ना मोहब्बत दा फरमाना जुमा पढ़ान कितने चले हो मैं कहना कि हुजूर फलानी जगह करना के जा रहे हैं जी ते फरमाना हाथ दा इशारा करके ना सर आदा का मुबारक से हाथ दा इशारा करके फरमाना वो मेरे अच्छा रे आप पुत्रा वो ये तेरे खुश हो जी अजे अगे अगे रखे हमेशा इस तरह फरमाना वो पुत्रा मेरे चले है ते कुछ भी नहीं अजे ते अगे अगे रखे ये मेरे करीम दिया मेरे ते शफकत रही सियालकोट मैं तकरीर कर रहा बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह सरकार दा मैं शेर कर रहा इश्क करदा सदा अपनी मर्जी दे कर जी मैं पढ़ना पढ़ा इस तरह तशरीफ लियाए ते नाल हाथ दा इशारा करके मैंने फरमाने बाबा बुल्ले शाह ने की आख्या जरा फिर आख्या जी
पीर कलीर अली शाह कह के गया कि आ मेरे पुत्र जमाना देखेगा। मैं कहना यह चाह रहा, मेरा मकसद ये नहीं कि मैं इतने अपनी तरह बाजार लगना, मैं करम इन्होंने दसना है। तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। चूरे दे चूरे खान वाले वली बन जाते, चूरे दे चूरे खान वाले वली बन जाते। हजूर बाबा जी सरकार चूड़ा शरीफ की गली गुजरे जमात अली शाह सब रहमतुल्लाह पूरी बाबा जी हजूर की घोड़ी को गुसल करा के लाके जा रहे, जी घोड़ी से बाबा जी हजूर सफर फरमा दे। बाबा जी सरकार फरमान लगे जमात अली घोड़ी से बड़ी सोहनी नवाई आ, आप अपने सियाल कोटी लहजे च बोल के कह लगे हजूर मैनू घोड़े नवाण का वाल ही बड़ा है। बाबा जी फरमान लगे इधर आ तेरा मेरे सीने लग, सीने लगा के एक ही निगाह फरमा के ते बताए दी सारी मरगला तय करा के फरमान लगे तैनू घोड़े नवान दा वाले मां नू वली बनाउन दा वाले। एक निगाह, एक निगाह फरमा दे ते किस्मत बदल दे। ताजदार चूरा शरीफ नू अल्लाह करीम ने ऐसीयां अनायात सरवर कायनात दीयां अता करके रख दे। जो हजूर बाबा जी सरकार बाबा जी जो तशरीफ लाए फरमाया शरीफ की धरती वेख्या जेड़ा पैदा होली पैदा होता है। हजरत साहब की बड़ा याद है हजूर तशरीफ फरमा ने मेरी खुशबख्ती है कि अल्लाह करी मैंने मनो आप दे पहलू में बैठने की सआदत नसीब फरमाई कि आपकी करम नवाजी तो सब कबूल फरमाया। मैनू को पूछे तो मैं ये कहूंगा बस यार याद रखे जे उन सत्त ही खारा ने जिहदा साईं मगर मगर उन सत्त ही खारा ने जिहदा साईं मगर होवे साढ़े ते हर वेले अलहमदुलिल्लाह साड़ी कंड ते रहंदे नदी ते उन्हां दी करम नवाजियां। मैं इस मौजू किसी वेले इंशाल्लाह फिर कॉन्वर्स करांगा बड़े 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 वाकयात मेरे ज़हन दे अंदर आ रहे।